CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पूरक ध्वनि पाठ्य पुस्तक अंतराल। प्रस्तुत है पाठ एक, अंडे के छिलके, पृष्ठ संख्या 1 से 22 तक। लेखक मोहन राकेश। लेखक परिचय, मोहन राकेश, सन 1925 से 1972, जन्म झंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में, और संस्कृत में एमए। लाहौर, मुंबई, दिल्ली, शिमला, जालंधर आदि में विविध नौकरियां की, पर मिजाज स्वतंत्र लेखन का ही रहा। अध्यापन भी किया और संपादन भी, सारिका के संपादक भी रहे। मोहन राकेश नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं, किंतु नाट्य लेखन के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आषाढ़ का एक दिन नाटक पर संगीत नाटक अकादमी ने सन 1959 में उन्हें पुरस्कृत भी किया। सन 1971 में नाट्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित हुए। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये सब कहानी संग्रह हैं। अंधेरे बंद कमरे ये उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ये नाटक हैं। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, रात बीतने तक, ये एकांकी संग्रह है, ये भी हैं। आखिरी चट्टान तक, ये यात्रावृत्त है। बकलम खुद, परिवेश, ये निबंध हैं। बिना हाड़ मांस के आदमी, ये बालोपयोगी कथा संग्रह है, और ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब प्रस्तुत है अंडे के छिलके। पात्र श्याम, वीना, राधा, गोपाल, जमुना, माधव। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाजा खुला है या बंद। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है, पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने, सिर भीगा है, बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। अंदर आकर वह इधर उधर नजर दौड़ाता है। श्याम, अरे कमरा खाली, न भैया न भाभी। पुकार कर, भाभी। दूसरे कमरे से वीना की आवाज, वीना। कौन? श्याम, क्या बात है? श्याम, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीना उधर से आती है, वीना। तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराए घर में आए हो। श्याम, पराया घर तो लगता ही है भाभी, तुमने आते ही वह नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है, जूते को छोड़कर हर चीज या चारपाई पर या मेज पर। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है, जहां पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। वीना, खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे? बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। श्याम, सिर्फ चाय? गलत बात, ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है, वीना। ये सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ा हो, सारा फर्श गीला कर रहे हो। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रखाती हूँ। श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। श्याम, भाभी एक बात कहता हूँ। वीना, क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली? मैं कहती हूँ तुम तो बस। श्याम, भाभी बात तो सुन लो, मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूं, चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज ले आऊं, सूखी चाय का मजा नहीं आएगा। इस वक्त पानी जरा थमा है, फिर जोर से बरसने लगेगा।
वीना। फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती? अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? श्याम, तुम जो कहो ले आओ। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और वीना, और क्या? श्याम, और कहो तो कोई और अच्छी चीज भी मिल सकती है? वीना, बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज ही लाओ। समोसे कचौरी क्या खाओगे? श्याम, अच्छी चीज तो अच्छी चीज हो सकती है वीना, जाओ चार छह अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम, शिव शिव शिव, किसी और चीज का नाम लो भाभी, इस घर में अंडे का नाम ले रही हो? जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। वीना, क्या बात करते हो? दबी स्वर में। यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने ये बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बैटरी लेनी होती है, रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपए खर्च किए हैं। माँ जी भी भोली हैं, झट मान जाती हैं। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बैटरी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? श्याम, संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वो छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। वीना, भाई तुम लोगों की ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है, जैसे दूध वैसे अंडा। श्याम, हरी हरी हरी, फिर वही नाम। भाभी आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अम्मा मेरे सिर हो जाएंगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, मगर इस चीज का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूं। चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि यह लाया है तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और बैटरी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। कितने ले आऊं? 4 की 6। एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। वीना, अच्छा तो ये बात है, आप अपने कमरे में। श्याम, बात काट कर। फिर कहता हूं भाभी कि नाम मत लो। अपने कमरे में ना फ्राइंग पैन है ना स्टोव जो कोई चीज साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं, इसीलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है। रखने रखाने का इंतजाम पक्का है। मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी ये बात जाहिर कर दें तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। वीना, बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, ये अच्छा प्यार है। देख लेना, कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग ना रखवा दिया तो। श्याम, अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम यह फ्राइंग पैन यहां से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है। तुम जबान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधी दर्जन वह जो तुम कह रही थी लाए देता हूं। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूं, मंजूर? अच्छा टाटा। गैलरी की तरफ चल देता है वीना। साथ में थोड़ी किशमिश भी ले आना। श्याम, ओके, तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली पीऊंगा। चला जाता है। वीना खूंटी की तरफ जाकर वहाँ टंगे हुए कपड़े उतारने और तहाने लगती है। वीना, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ किसी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए। साहब के कपड़ों का यह ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। मैं टाइयां और कपड़े अब कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर चीज खूंटी पर। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे जा गिरता है। लो, ये पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ से मलकर देखती है। तो ये बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भरकर यहाँ लटका रखे हैं। इनकी यह कैसी आदत है ये मेरी समझ में नहीं आती। छिलके नाली में डाल दिए जाए, गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे फिर डब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हों। मोजा कोने में डाल देती है। अच्छा, श्याम के आने तक चाय का पानी तो रख दूं। केतली उठाकर बाईं ओर के दरवाजे की तरफ जाती है। पर्दा उठाने पर दरवाजा बंद मिलता है। किवाड़ खटखटाती है। राधा जी जी, राधा जी जी, इतनी देर में दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई?
जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी खुलती है। वीना, क्या बात है जीजी? अभी संझा भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी ना आ गए हों। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था। मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। वीना, यह लेटने का वक्त थोड़ी है बीबी, बैठो, मैं चाय बना रही हूं, अभी सब लोग चाय पियेंगे। ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे। बैठो, मैं उधर से पानी लेकर आती हूँ। अंदर चली जाती है। राधा अनमनी सी खड़ी रहती है। क्षण भर बाद अंदर से वीना के हंसने का स्वर सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। राधा, क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो? वीना एक हाथ से पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। वीना, हंसने की बात नहीं है जीजी, ये तुम्हारी चंद्रकांता। राधा झपट कर किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर वीना उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वो किताब पीछे छिपा लेती है। राधा पास आकर किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती है। छीना झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इसमें इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है? मैंने तो चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। राधा, ना भैया ना, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे ना हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर ऐसे किस्से ही पढ़ा करती हैं। और हम पढ़ते भी कहाँ हैं? हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी तो हम उठा लाए। नहीं, हम तो ऐसी चीज कभी नहीं पढ़ते। घर के काम धंधे से फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े भी। और हमारे पास अपनी गुटका रामायण है, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत बांच लेते हैं। तुम जानो, इस घर में ये सब पढ़ेंगे तो जान नहीं निकाल दी जाएगी। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। वीना, ये तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है, मगर। राधा चिढ़कर, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। वीना, मेरा ये मतलब थोड़े ही है जीजी, मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें यह किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी। राधा, वो बात तो है ही, मगर सच कहें वीना, तो इसमें भी तो शूरवीरता की ही कहानी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन वन में मारे मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते हैं। और वीना हंसते हुए, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लांघने से ज्यादा मुश्किल काम है। राधा उत्सुकता पूर्वक, अच्छा एक बात तो बताओ वीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, अंत में जाकर वन कन्या का क्या होता है? कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीना, हाँ हाँ जरूर हो जाता है। राधा, और चंद्रकांता के साथ? वीना, उसके साथ भी हो जाता है? राधा, दोनों के साथ ही हो जाता है? वीना, हाँ भी और नहीं भी। राधा, हाँ भी और नहीं भी, यह कैसे? वीना, यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया? जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हुई, ये किताब ले लो, मगर अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो। अभी यहाँ बैठो। उसे बाह पकड़कर पलंग पर बिठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। राधा, अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? वीना, कौन से बाबा जी महाराज? राधा, वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीना, तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रही हो जीजी, अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आओ। केतली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है। बाहर से गोपाल आता है। वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा भीग रहे हैं। गोपाल, वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है, बहुत सही अंदाजा है वक्त का। वीना, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है,
ये केतली श्याम के लिए रखी गई है। आप आ गए हैं इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। गोपाल, क्या बात है, आजकल श्याम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। वीना, जी जी बैठी हैं, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी। गोपाल, देखो हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना, हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो दिन भर बैठी सन्स एंड लवर्स पढ़ती रहती हो और भाभी पढ़ती हैं रामायण महाभारत। वीना शरारत के लहजे में, सच? गोपाल, सच नहीं तो क्या, क्यों भाभी? राधा खिसी आई सी, भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है जो पढ़े पढ़ाएं, कभी 10 मिनट मिल गए तो 4 अक्षर बांच लिए। गोपाल, वक्त ना मिले तो ये और बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने गुटका रामायण रख तो छोड़ी है, मन में भावना होनी चाहिए। वीना, आज जीजी की गुटका रामायण मैं इधर उठा लाई हूं, जीजी तो लाने ही नहीं देती थी, अभी अभी आपके आने से पहले मैं इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी। गोपाल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बीए पास तो किया है मगर जो विद्या तुम्हें भाभी से मिल सकती है वह स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, क्यों भाभी? राधा, भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ हैं, हम तो वीना के पास इसीलिए आ बैठते हैं कि 2-4 अच्छे अक्षर इससे सीख जाएं। गोपाल, तुम और इससे सीखोगी, ये उल्टी रीत यहां नहीं चल सकती भाभी, दस्तूर यही है कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालता हुआ, इजाजत हो तो यह जरा एक सिगरेट सुलगा लूं, बहुत देर से नहीं पी। सिगरेट सुलगाता हुआ, बारिश का दिन है इसलिए तबीयत नहीं मानती। वीना, आप तो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते। गोपाल, बस सिर्फ भाभी के सामने पी लेता हूँ, वह भी इसलिए कि भाभी ने एक बार गैलरी में छिपकर पीते हुए देख लिया था, जब चोरी पकड़ ही ली गई तो हमने इकबाल कर लिया, उसके बाद से भाभी की इतनी मेहरबानी रही कि जब जब जरूरत पड़ती थी इनके कमरे में छिप कर पी लेते थे। आज 5 बरस हो गए मगर मजाल है जो भाभी के अलावा किसी को पता तक चला हो। वीना, हाँ हाँ क्यों पता चला होगा, बीबी ने जेठ जी को बताया थोड़ा ही होगा। राधा, हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने बताया हो, हमारी यह आदत नहीं है कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते फिरे, जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा, दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं। गोपाल, और क्या, दिल में रखने की बात दिल में रखनी ही चाहिए। पानी खोल गया कि नहीं? वीना, बस अभी हुआ जाता है, उतनी देर में श्याम भी आ जाएगा। श्याम बरसाती की जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। श्याम, लो भाभी ले आया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। राधा को देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है, अरे बड़ी भाभी भी यहाँ पर हैं, तब तो। गला साफ करते हुए चुप कर जाता है। वीना, यह अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो, अभी तक किससे पानी टपक रहा है। श्याम, वह बात तो ठीक है भाभी मगर। वीना, मगर क्या? श्याम, मगर यह कि भाभी वो जो तुमने कहा था वो। वीना, लाए नहीं। श्याम, लाया तो जरूर हूं मगर। वीना, मगर जीजी से डर लगता है, यही ना, डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं कहेंगी, लाओ निकालो। श्याम, जरा खंखार कर। और अगर बाद में। वीना, नहीं बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल, क्या चीज है जिसके लिए इतनी हील हुज्जत हो रही है? वीना, कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं, कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा बनाई देती हूँ। गोपाल, अंडे का हलवा, यह तुम्हें क्या सूझी है, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था फिर भी तुम। वीना, श्याम से। तुम क्यों काट से वहां खड़े हो, अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो। गोपाल से, आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है तो अंडे का छिपाव रखने की क्या जरूरत है। श्याम से, लाओ श्याम दो मुझे। श्याम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेबों से हाथ निकालता है, उसके एक एक हाथ में 3-3 अंडे हैं। वीना अंडे उससे ले लेती है और वह बरसाती उतार कर गैलरी में छोड़ आता है। गोपाल अव्यवस्थित सा, देखो वीना मैंने तुमसे कहा था कि घर में ये चीज ठीक नहीं है, आदमी बाहर जाकर खा ले वह और बात है मगर घर में। वीना, घर में घर के आदमी देख लेंगे, इतनी ही तो बात है ना,
तो जीजी से तो किसी बात का पर्दा है नहीं। ये आज न देखती तो किसी और दिन देख लेती। जब रोज सवेरे गोपाल अल्लाह क्या बक रही हो, कुछ होश की दवा करो। राधा सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है। श्याम मुस्कुराता है। गोपाल बेकस सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। गोपाल किस चीज का पता है? राधा इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है। गोपाल किस चीज की खुशबू जाती है? राधा जो चीज बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी? वीना लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से यह भी पहचान लेती होंगी कि किस दिन ऑमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। राधा जरूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? वीना जी जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो जरूर तुम भी। राधा बात काट कर। ना हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला लो। खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही होती है। खाया नहीं है तो क्या? श्याम सूंघा भी नहीं है? बड़ी भाभी तुम्हारी नाक बहुत तेज है। वीना इस बीच अंडे एक कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज पर रखती जाती है। राधा बड़ी भाभी की नाक ही नहीं आंखें भी बहुत तेज हैं। गोपाल राधा से, देखो भाभी अब तुम्हें सब मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना, उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो। माफ कर दें तो बड़ी बड़ी बात माफ कर दें, और नाराज हो जाएं तो बस छोटी से छोटी बात पर। राधा वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें ना बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगी, मगर यह बात ठीक नहीं कि सब दरवाजे खुले हैं और तुम यहां अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना ना कहना सब बराबर है। केतली में पानी खौलने लगता है। वीना अंडे फेंटती है। गोपाल यह बात तुम ठीक कह रही हो भाभी, मैंने कितनी ही बार इससे कहा है कि कुछ बनाना ही हो तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो। श्याम बाहर का दरवाजा बंद कर दे। वीना श्याम पहले जरा ये केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दे और मुझे घी का डब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा बना दूं, बनने में तो 2-1 मिनट ही लगेंगे। श्याम उस तरफ चला जाता है और उसका काम करने लगता है। अलमारी से प्लेटें भी निकाल लो। राधा से जी थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना। फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है। राधा अनमने स्वर में, भैया हमने कह दिया कि हमने न कभी खाया है और ना ही कभी खा सकते हैं, पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर ले लेंगे। वीना अंडे का घोल चीनी मिलाकर फ्राइंग पैन में डाल देती है और जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। श्याम प्लेटें निकालकर लाता है। वीना तुमसे कहा था साथ किशमिश भी लाना, लाए हो? श्याम किशमिश तो भूल ही गया भाभी, कहो तो अब जाकर। वीना अब रहने दो, मुझसे यह नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना बगैर किशमिश के अंडे का हलवा। दूर से जमुना देवी की आवाज सुनाई देती है। जमुना वीना ओ वीना गोपाल अभी आया है कि नहीं? गोपाल दबे स्वरों में, श्याम तुमसे कहा था दरवाजा बंद कर दो और तुम? श्याम अभी कर रहा हूँ। जल्दी से जाकर दरवाजे की किवाड़ मिला देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। राधा माँ जी आ रही हैं, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करो। गोपाल हाँ जल्दी कुछ इंतजाम करो, यह छिलके यह हलवा। जल्दी से वीना का जम्पर उठाकर छिलकों पर डाल देता है और चीनी की एक प्लेट लेकर फ्राइंग पैन को उससे ढक देता है। जमुना वीना वीना दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेलकर खोलती है। श्याम कंधे हिलाकर पास से हट जाता है। जमुना क्या बात है, इस तरह दरवाजा बंद क्यों कर रखा है? श्याम तो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी और को रोक रखा हो, क्या बात है सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए हो? गोपाल कुछ नहीं माँ, तो तुम आओ आओ, दरवाजा खुला ही था, श्याम तो ऐसे ही वहां खड़ा था, आओ बैठो। जमुना आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है, मैंने कितनी बार कहा था कि लिपाई करा दो नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी, मगर मेरी बात तो तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूं बस हाँ माँ कल करा देंगे माँ कहकर टाल देते हो, अब देखो चलकर कैसे हर चीज भीग रही है। क्या बात है सब लोग गुमसुम क्यों हो गए हो? वीना तू इस वक्त यह चम्मच लिए क्यों खड़ी है? और गोपाल
तू वहां क्या कर रहा है कोने में? गोपाल, कुछ नहीं माँ, ये वहां वहां क्या नाम है उसका, वो वीना का हाथ जरा जल गया था, मैं इसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। जमुना, हाथ जल गया कैसे, मैं देखूं तो? पास जाकर वीना के दोनों हाथ पकड़कर देखती है वीना। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं जला है, ये तो बस यूं ही चिंता करने लगते हैं, बस जरा सा ही था, हाथ से मल दिया, ठीक हो गया। गोपाल, हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैंने कहा कि मरहम मिल जाए तो फिर भी लगा दूं, कभी वक्त पर पता नहीं चलता और बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि बाद में इलाज करने से पहले एहतियात बरतना ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि एहतियात के तौर पर थोड़ी मरहम लगा दूं। जमुना, मगर इसका हाथ जला कैसे, इस वक्त यह ऐसा क्या काम कर रही थी? गोपाल, कुछ नहीं कर कुछ नहीं रही थी, श्याम ने कहा था जरा चाय बना दो तो उसके लिए चाय बना रही थी, यूं चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए मगर बाज वक्त होता है, जलना था सो जल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी मरहम लगा देता हूं, और मरहम नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मामूली सा भी क्या, यही समझो कि जला ही नहीं है, अब तो महसूस भी नहीं होता होगा, क्यों वीना? वीना, जी हाँ बिल्कुल महसूस नहीं होता। गोपाल, और क्या, महसूस होने की कोई बात नहीं थी, तुम नाहक फिक्र कर रही हो अम्मा, फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, तुम खुद देख रही हो हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। जमुना, मैं पहले ही कह रही थी कि यह मर्दूत बिजली का चूल्हा घर में ना लाओ, मगर माँ की बात किसी के कान में जाती हो तो ना, ये मर्दूत हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा, हमारे जमाने में किसी ने ऐसी चीजों का नाम भी नहीं सुना था, यह इसके ऊपर क्या रखा है? गोपाल, यह स्टोव के ऊपर, ये अम्मा फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन मतलब तलने की, वह क्या कहते हैं वह, जमुना तलने की, क्या क्या बहू, यहां अलग से तुम्हें चीजें तल तल कर खिलाती है, अरे लगता है इसमें कोई चीज बनाकर रखी है, मैं भी तो, ये बीच का, सॉरी पास जाती हुई, मैं भी तो देखूं कि नई बहू क्या क्या बनाकर खिलाती है। फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है, गोपाल जाकर उसे बीच में ही रोक देता है। गोपाल, ना 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 ना, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, तो तुम आप ही कह रही थी कि यह हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा, ऐसी मर्दूत चीज का कुछ पता थोड़ा ही है अम्मा, मैं तो पछता रहा हूं कि क्यों इसे घर में ले आया, वह वापस ले ले तो मैं अभी जाकर इसे वापस कर दूं, मुझे पता थोड़ा ही था कि इसकी वजह से। श्याम इस बीच चारपाई से चंद्रकांता उठाकर पन्ने पलटने लगता है, एक बार राधा की ओर देखकर थोड़ा खंखारता है, राधा गंभीर मुद्रा बनाए बैठी रहती है। जमुना, मगर यह तो बुझा हुआ है, यह बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? गोपाल, हाँ अम्मा कभी कभी यह बुझा हुआ भी करंट मार देता है, इसका कोई भरोसा थोड़े ही है, ऐसी चीज से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है, कहीं तुम्हारा भी हाथ जल जला गया तो मुसीबत होगी। जमुना, अच्छा नहीं हाथ लगाती, मगर बता तो सही कि इस पर छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या क्या है, इस वक्त भी तो कुछ बना रखा है। गोपाल, कुछ नहीं अम्मा, इसमें कुछ खास चीज नहीं है, ये श्याम जरा कह रहा था तो उसके लिए। श्याम सहसा चौक कर जैसे सफाई देता हुआ, भैया मैंने कहा कहा था, वह तो खुद भाभी का ही ख्याल था, क्यों भाभी? वीना, हाँ हाँ मैं कब कहती हूँ कि मैंने नहीं कहा था, ठीक है मैंने ही तुमसे कहा था। राधा सहसा उठकर पास आ जाती है। राधा, वीना ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था। गोपाल जैसे आसमान से गिरकर, भाभी। राधा, हाँ हाँ ठीक बात तो है, हम ही ने वीना से जोर देकर कहा था कि पुलटिस बनाकर श्याम के बांध दो, इसे अपने तन बदन की होश तो रहती नहीं, क्रिकेट खेलने में कहीं टखने पर गेंद लग गई है, दो दिन से कह रहा था कि चलने में जोर पड़ता है, हमने कहा कि ठंड का दिन है कहीं दर्द बढ़ा गया तो बैठकर दो दिन हम ही से मालिश करवाते रहेंगे, वीना ने पुलटिस बना दिया है, अभी बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। गोपाल कृतज्ञता के भाव से राधा की तरफ देखता है। गोपाल, यही तो मैं कह रहा था, ये लड़का अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं रखता, बाद में जब ज्यादा बिगाड़ हो जाता है तो मुसीबत घर वालों की होती है। श्याम को आंख से इशारा करके, अब पुलटिस बंधवाकर चुपके से लेट रहना, समझे? जमुना, लाओ मैं ही पुलटिस बांध देती हूं, कोई पुराना कपड़ा वपड़ा हो तो दो, कहीं कोई नई धोती ना फाड़ देना, या देखो
नए कपड़ों का क्या हाल कर रखा है? यह रेशमी जंपर मेज पर क्यों डाल रखा है? यह मेज साफ करने के लिए है। मेज से जंपर उठाना चाहती है मगर गोपाल फिर बीच में आकर रोक देता है। गोपाल, रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो। ये काम तुम्हारे करने के हैं जो तुम कर रही हो। मैला कपड़ा है, खूंटी से मेज पर गिर गया होगा, अभी वीना उठाकर रख देगी। जमुना, यह मैला कपड़ा है और वहां उतनी दूर खूंटी से कूद कर यहां मेज पर आ गया। तुम लोगों के लक्षण जरा भी मेरी समझ में नहीं आते। नया जंपर है, अभी दो बार भी नहीं पहना होगा और इस तरह यहां गिरा रखा है। हटो, तुम लोग घर उजाड़ने पर तुले हो तो मुझे तो घर की चिंता है। इतने कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनमें टिड्डियां लग जाएंगी तो। फिर जंपर उठाने लगती है मगर गोपाल उसे कंधे से पकड़कर पलंग की तरफ ले जाता है। गोपाल, अम्मा नहीं लगेंगी टिड्डियां, तुम तो खामखा चिंता करती हो। यहां पलंग पर बैठो और थोड़ी देर आराम करो। बैठो, इस तरफ। उसे दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बिठा देता है। जमुना, हाँ हाँ, बैठकर आराम करूं और मेरी जगह काम कोई दूसरा करेगा। घर में करने को इतने काम पड़े हैं, इसे पुलटिस बांधूं तो जाऊं, दूसरों की मुसीबत कर देता है और आप किताबें पढ़ता रहता है। ला, मुझे दे ये किताब और यहाँ आकर लेट जा। उठकर श्याम के हाथ से किताब लेती है। यह कौन सी किताब है? श्याम, यह किताब, यह अम्मा, यह मेरे कोर्स की, मतलब मेरे कोर्स की किताब नहीं है, यह शायद यह भाभी की किताब है। वीना, यह जीजी की गुटका रामायण है माँ जी, जीजी पढ़ती पढ़ती यहाँ ले आई थी। श्याम, हाँ हाँ हाँ, भाभी की गुटका रामायण ही तो है, मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जैसी ही है। जमुना, मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है, ये तो इतनी बड़ी किताब है। श्याम, हाँ अम्मा, पहले यह छोटी थी, अब यह, मेरा मतलब है अम्मा कि इसका पहला एडिशन छोटा था मगर जो नया एडिशन आया है वह पहले से बड़ा है। इनके साइज बदलते रहते हैं, यह कोई खास बात नहीं है। चलो अम्मा, तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं। गैलरी में अंधेरा है, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो और मुसीबत होगी। चलने को तैयार हो जाता है। जमुना, पांव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा जिसे चोट लगी है? मैं कह रही हूं लेट जा और वह मुझे कमरे में छोड़ने जाएगा। श्याम, अरे हाँ, मेरे तो पांव में चोट लगी है, मैं यह बात भूल ही गया था। मैं भाभी से पुलटिस बदवाता हूं, गोपाल भैया तुम्हें छोड़ाते हैं। गोपाल, हाँ अम्मा, चलो मैं छोड़ाता हूं। जमुना, मगर मैं कहती थी कि मैं इसे पुलटिस बांध देती। गोपाल, उसकी तुम चिंता ना करो अम्मा, वीना बहुत अच्छी तरह बांध देगी। आओ मेरा हाथ पकड़कर साथ साथ आ जाओ, गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा है। वहां पकड़कर उसे साथ ले चलता है। उसके बाहर निकलते ही श्याम फ्राइंग पैन पर झपट पड़ता है। श्याम, भाभी मैं जरा जल्दी से ये पुलटिस निकल लूं, अगर बड़े भैया भी आ गए तो कहीं सचमुच ही इसे टखने पर ना बंधवाना पड़े। वीना, ठहरो, जरा सब्र से काम लो, उन्हें भी आ जाने दो। श्याम, गलत बात है। चम्मच भर भर कर हलवा मुंह में डालने लगता है। भाभी सच कहता हूँ कि बगैर किशमिश के भी इतना मजेदार बना है, इतना मजेदार बना है कि जितनी तारीफ करूं थोड़ी है। गोपाल घबराया सा जल्दी जल्दी आता है। गोपाल, इस पुलटिस को जल्दी से इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। श्याम, पुलटिस की तो आप जरा चिंता ना करें, इसे तो मैं अभी साफ किए देता हूँ, आप छिलकों के इंतजाम की सोचें। जल्दी जल्दी खाता है। गोपाल जंपर उठाकर वीना को देता है। गोपाल, इस जंपर को उधर रखो और ये छिलके, इन्हें तुम जल्दी से मेरे किसी मोजे में डाल दो। वीना, मगर आपके सब मोजे तो पहले ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं। गोपाल छिलके मेज से उठा लेता है और उन्हें हाथों में लिए हुए असमंजस में इधर उधर देखता है। गोपाल, तो और किस चीज में डाल दें? मेरा टोपी ले आओ या जल्दी से मेरे कोट की जेब में भर दो। सहसा माधव गैलरी में आ जाता है। माधव, क्यों भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबों में? कोई मेरे ना देखने की चीज तो नहीं? गोपाल हताश भाव से, आइए आइए भैया, आ जाइए आ जाइए, मैं यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था। माधव, मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाएं? हंसता हुआ स्टोव की तरफ जाता है। जी हाँ जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि। माधव, तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ, और तुम क्या खाकर मुंह पोंछ रहे हो श्याम बाबू? श्याम, मैं भैया,
यह मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। माधव, पुलटिस बनाई थी और तुम वह पुलटिस गले से नीचे उतार गए? हंसकर। खूब, तो आजकल पुलटिस खाने के काम भी आने लगी। भला यह तो बताओ कि किस चीज की पुलटिस थी, जिस चीज के यह छिलके हैं उसी की या? श्याम बिल्कुल घबरा जाता है। श्याम, भैया थी तो यह पुलटिस ही, मगर जल्दी में मैंने, मेरा मतलब है कि मैंने जल्दी में। माधव, तुमने जल्दी में सोचा कि इसे खा डाला जाए? फिर हंसकर। बहुत अच्छा किया, बनी हुई चीज का कोई तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। और तुम गोपाल, तुम ये छिलके जेब में क्यों भरते हो? बाहर जाकर इन्हें नाली में डाल दो, आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। गोपाल, मगर भैया। माधव, भैया सब जानते हैं राजा, वे ये भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली हुई हैं, यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों जाता है, और यह भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ा करती है। सबके मुंह से आश्चर्य से तरह तरह के शब्द निकलते हैं। माधव हंसता रहता है। गोपाल, भैया अब आपसे क्या छिपाना है, आप तो सब कुछ जानते हैं, मगर देखिए अम्मा से नहीं कहिएगा, अम्मा को पता चल गया तो बस किसी की खैर नहीं। माधव, अम्मा से ना कहूं? हंसकर। तुम समझते हो कि अम्मा ये सब नहीं जानती? श्याम और गोपाल, अम्मा भी जानती हैं? माधव, क्यों नहीं जानती, अम्मा तो शायद मेरी वे बातें भी जानती हैं जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। हंसकर। आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इनके लिए डिब्बा रखने की जरूरत नहीं, और जहां तक अम्मा का सवाल है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेंगी। प्रश्न अभ्यास, प्रश्न एक। पराया घर तो लगता ही है भाभी, अपनी भाभी भाई के कमरे में श्याम को परायपन का एहसास क्यों होता है? प्रश्न दो। एकांकी में अम्मा की जो तस्वीर उभरती है, अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है, टिप्पणी कीजिए। प्रश्न तीन। अंडे खाना, चंद्रकांता संतति पढ़ना आदि किन्हीं संदर्भों में गलत नहीं है, फिर भी नाटक के पात्र इन्हें छिपकर करते हैं, क्यों? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? प्रश्न चार। राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? प्रश्न पांच क। सरकार की धूम्रपान न करने की वैधानिक चेतावनी और बड़े बुजुर्गों की धूम्रपान की मनाही के पीछे कौन से कारण हैं? ख। यदि आप अपने घनिष्ठ मित्र को चोरी छिपे सिगरेट पीते देखें तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? शब्दार्थ और टिप्पणी। पुलटिस, हलवे की तरह पकाई हुई एक घरेलू दवा जो घाव पर बांधी जाती है। कृतज्ञता, आभार। लक्षण, लक्षण। टिड्डियां, पंखों वाले लाल रंग के कीड़े जो दल बनाकर चलते हैं और फसल को हानि पहुंचाते हैं। खामखा, बिना कारण, बेवजह। मर्दूद, निकम्मा। एहतियात, बचाव, होशियारी। करतूत, काम, करनी। मेहरी, घर का काम करने वाली स्त्री। हील हुज्जत, कोशिश। दस्तूर, रीति, तरीका। तिलिस्म, जादू, इंद्रजाल। संझा, संध्या। झांसा, धोखा। बाँच, पढ़। तलब, इच्छा, मांग। सौगात, तोहफा, उपहार। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।